नमस्कार, मैं हस्ता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर क्राइम ब्रांच को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच की टीम ने एक ऐसे गैंग के 6 सदस्य को गिरफ्तार किया है जो मालदार युवा बेरोजगारों को ऑनलाइन जॉब टास्क का झांसा देकर ठगी की वारदात करते थे। आरोपियों में ग्वालियर की फेडरल बैंक का डिप्टी मैनेजर भी शामिल है जो गैंग के लिए फर्जी तरीके से खाते खुलवाने में मदद करता था। पुलिस ने आरोपियों से 8 एटीएम कार्ड, 2 बैंक पासबुक, 2 चेकबुक, 3 सिम कार्ड और 9 मोबाइल फोन और 6 कार बरामद की है। फिलहाल इनसे पूछताछ जारी है। ग्वालियर के सिटी सेंटर इलाके में रहने वाले बलविंदर सिंह के टेलीग्राम पर जॉब टास्क का झांसा देकर ठगों ने 9.55 लाख रुपए की ठगी की थी। जब क्राइम ब्रांच ने इस मामले की जांच शुरू की तो खुलासा हुआ कि ठगी की ज्यादातर रकम ग्वालियर के बैंक खातों में ट्रांसफर हुई है। इन खातों से ठगी की रकम की निकासी भी ग्वालियर में ही हुई थी। क्राइम ब्रांच ने जांच की तो ये बैंक खाता ग्वालियर के मेवाती मोहल्ला निवासी सोहेल खान का निकला। क्राइम ब्रांच ने सोहेल को गिरफ्तार कर उससे कड़ाई से पूछताछ की तो ठगी के इस जाल का खुलासा हो गया। क्राइम ब्रांच में सोहेल से पूछताछ के आधार पर प्रयल अष्ठाना, इमरान खान, आकाश कोहली, वीर सिंह कौरव और फेडरल बैंक के डिप्टी मैनेजर ऋतिक सनोटिया को दबोच लिया है। इमरान और आकाश गरीब खाता धारक तलाशते थे। पूछताछ में पता लगा कि इमरान और आकाश ऐसे लोगों को ढूंढते थे जिन्हें पैसों की जरूरत होती थी। उन्हें पैसे देकर खाता खुलवाने के लिए प्रयल अष्ठाना के पास भेजते थे। प्रयल अष्ठाना अपने साथी वीरू कौरव के साथ मिलकर खाता खुलवाने और पैसे निकलवाने के लिए बैंक जाता था। आरोपी प्रयल अष्ठाना अपने साथी सिटी सेंटर स्थित फेडरल बैंक के डिप्टी मैनेजर ऋतिक सनोटिया से भेजे गए लोगों के खाते ज्यादातर वेरिफिकेशन न करके जल्द से जल्द खोलने का बोलता था और उसके एवज में प्रति खाते पर 10,000 रुपए फेडरल बैंक के डिप्टी मैनेजर को देता था। पुलिस ने आरोपी के पास से 8 एटीएम कार्ड, 2 बैंक पासबुक, 2 चेकबुक, 3 सिम कार्ड, 9 मोबाइल फोन और स्विफ्ट कार बरामद की है। पुलिस ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब टास्क का झांसा देकर टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़कर टास्क देकर शुरुआत में पैसे का प्रलोभन देकर ऑनलाइन धोखाधड़ी की जा रही है। इस प्रकार के धोखाधड़ी में प्रोड्रस्ट द्वारा विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए शुरुआत में इन्वेस्ट करने वाले व्यक्ति को छोटे अमाउंट पर प्रॉफिट दिया जाता है। जैसे ही इन्वेस्ट करने वाला व्यक्ति बड़ी राशि इन्वेस्ट करता है तो वह साइबर का ठगी हो जाता है। प्रोड्रस्ट के द्वारा ठगी की राशि वापस नहीं दी जाती है। क्राइम ब्रांच में जो है फरियादी एक बलविंदर सिंह गिल हैं, सिटी सेंटर में रहते हैं। उनके साथ में टेलीग्राम के माध्यम से ऑनलाइन फ्रॉडिस्ट द्वारा ठगी की गई थी। 9,45,000 रुपये उनसे ठग लिए थे। उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को आवेदन दिया गया था। उस पर से ग्वालियर की साइबर क्राइम द्वारा विवेचना की गई थी। जाँच में जो पाया गया कि कुछ अकाउंट जो है जहाँ जो पैसे ट्रांसफ़र हुए थे ऑनलाइन वो ग्वालियर के अकाउंट थे। और जब जिस अकाउंट होल्डर को पकड़ा तो उस व्यक्ति ने बताया कि मेरे को तो उसने मतलब फ्रॉडिस्ट के कहने पर अपना अकाउंट खुलवा लिया था और 1500 रुपये की लालच में आकर उसने अपना अकाउंट नंबर और अपनी डिटेल फ्रॉडिस्ट को दे दी थी। उसमें साइबर क्राइम ब्रांच ने और टीम ने हमारी ने जो है टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की गई। तो इसमें जो तथ्य सामने आया कि जो फेडरल बैंक का डिप्टी मैनेजर है वो भी संलिप्त था। वो पर अकाउंट 10,000 रुपये इनसे लेता था फ्रॉडिस्ट। और इस प्रकार से जो सभी लोगों को जो करीब 6 लोग टोटल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें बैंक अन्य बैंक कर्मी की संलिप्तता के संबंध में पूछताछ की जा रही है क्राइम। और मेरी सभी आम जन से अपील भी है कि टेलीग्राम के माध्यम से अगर आपको कोई जॉब या टास्क देकर जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद आपको लालच शुरू में लालच देंगे, कुछ पैसे देंगे आपको और फिर इसके बाद जब आप अधिक राशि जमा कर देंगे तो फिर आपके साथ फ्रॉड कर देंगे। तो लालच में ना आए और इस प्रकार से फ्रॉडिस्ट के चक्कर में ना फंसे। ठगी जो ऑनलाइन जो है जो टेलीग्राम के माध्यम से जोड़ते थे ग्रुप में और पहले टास्क देते थे, टास्क में शुरू में लालच देते थे, लालच में कुछ पैसा उनको जो है प्रॉफिट देते थे। तो आदमी को जो लगता था कि प्रॉफिट हो रहा है मेरे को और फिर जो है
प्रॉफिट मिलने के बाद बड़ा अमाउंट लगवा देते थे, फिर उनको जो है ग्रुप से डिलीट कर देते थे, उनका पैसे वापस नहीं कर देते। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।